खुशी है कि परिवार के अंदर दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है वो हमारे विधवा अवस्था, विकलांग, दिव्यांगजन, उन सभी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहा है, बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है। और अभी तक जो व्यवस्था पहले थी 2023-24 से पहले, ये जो पेंशन है, ये पेंशन तीन तीन महीने के अंतराल पर मिलती थी, और तीन तीन महीने के अंतराल पर पेंशन मिलने पर कई बार शिकायतें आती थी, कई बार लोगों की परेशानियां होती थी। तो मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था, तो हमारे दिव्यांगजन हैं, विधवा अवस्था के पेंशन धारक हैं, वृद्धजन हैं, वो सभी कहते थे कि हमारी पेंशन नहीं आई, काफी समय हो गया हमको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये हमने तय किया है कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपकी पेंशन नहीं आई है। अब हर महीने के 5 तारीख तक पेंशन आपके खातों में चली जाएगी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे सभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत सहूलियत हो जाएगी, सहायता हो जाएगी, उनको अपनी पेंशन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। राज्य में जो 8 लाख से भी अधिक लोगों को विभाग की ओर से जो पेंशन दी जा रही है, उसमें वृद्धावस्था, विकलांग, दिव्यांगजन, विधवावस्था की पेंशनें हैं। और आज 1 तारीख को राज्य सरकार के द्वारा सभी के खातों में एक क्लिक के माध्यम से इस माह की जो 1500 की धनराशि है वो भेजी जा रही है। इसमें अलग अलग है, जहां वृद्धावस्था पेंशन के 5,33,180 हमारे लाभार्थियों को, हमारे वृद्धजनों को आज ये पेंशन उनके खातों में जा रही है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन के 2,12,030 जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सभी को भी आज 31 करोड़ रुपए की धनराशि जा रही है। इसी प्रकार दिव्यांग पेंशन के 91,393 लाभार्थियों को 13,70,00,000 की धनराशि आज वन सिंगल क्लिक के माध्यम से आप सबके खातों में जा रही है। और इस प्रकार मिलाकर 8,36,603 जो लाभार्थी हैं उनके खातों में आज ये राशि पहुंच जाएगी, और ये मिलाकर 1,25,00,000 रूपये की धनराशि है। अभी हमारे सचिव साहब मुझे कह रहे थे कि 1,25,00,000,000, तो मैंने कहा 125 करोड़ कह सकते हैं हम इसको, 125 करोड़ की जो धनराशि है आज पहुंच रही है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें।